हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप अपने घर में खुश होंगे और जून का महीना एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो होने वाली है पर्सनल हाइजीन पे। ये नेसेसरली मैं सिर्फ लड़कियों के बारे में स्पेसिफिकली नहीं बात करने वाली हूँ, ये वीडियो मेल फीमेल दोनों लोगों के लिए। यहाँ हम हाइजीन टिप स्टार्ट करेंगे टॉप टू बॉटम, और ये सारी हाइजीन टिप बिकॉज मैं फॉलो करती हूँ इन जनरल, तो वही मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये वीडियो इंटीमेट पार्ट्स के बारे में नहीं होने वाली है, ये जेनेरिक हाइजीन पे होने वाली है। बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो आई थिंक अपने घर में भी बात नहीं कर पाती हैं, अपनी मम्मी से बात नहीं कर पाती हैं, या किसी से इन जनरल ये क्वेश्चन नहीं पूछ पाती है, ना ही बात कर पाती है। तो आई विल मेक श्योर कि मैं वो वीडियो में वो सारी चीज़ें कवर अप करूँ। अभी ये बेसिक हाइजीन पे है तो हम इस पे फोकस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बालों के बारे में। आपने अपने बालों में नोटिस कर लिया होगा कि आपकी बाल ये ड्राई हैं, ये ऑयली हैं, मिक्सचर ऑफ बोथ हैं, तो उसी हिसाब से आपको अपने बालों को वॉश करना चाहिए पहली चीज़। एंड मेक श्योर करा करिए कि हफ्ते में एटलीस्ट दो बार तो आप वॉश कर रहे हैं। जैसे मेरा रूटीन मैं जनरली फॉलो करती हूँ वो मैं वेंसडे एंड संडे, बाकी दिन जैसे ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे हम लोग नहीं धोते हैं बिकॉज मम्मी कहती हैं नहीं धोना चाहिए तो नहीं धोते हैं। हमारे वर्ड्स में उसको आंकड़ा वार कहते हैं, तो उस दिन बाल बाल नहीं धोते हैं, नेल्स नहीं काटते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। ये मेक श्योर करना कि बालों में डैंड्रफ ना बिल्डअप हो बिकॉज आप एकदम वॉश नहीं कर रहे हो बालों को एंड एक एक दो दो हफ्ता छोड़ दे रहे हो या हफ्ते में सिर्फ एक बार ही वॉश कर रहे हो। एंड तो ये सब चीज़ें आपको माइंड में रखनी चाहिए। एंड ये सबसे पहली हाइजीन होती है व्हेन यू टॉक अबाउट हेयर। हम आते हैं अपनी आँखों पर बिकॉज बालों के बाद आईब्रोज आके, मतलब आईब्रोज तो क्या है यार, मतलब ये है कि आप उनको शेव कर सकते हो या आईब्रो बनवा सकते हो, तो इसमें कोई हाइजीन वाली बात नहीं है। बट हाँ, ऑब्वियसली अगर बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाती है इन जनरल व्हेन वी टॉक अबाउट गर्ल, आई पर्सनली फील कि हाँ यार, मतलब आईब्रोज तो इफ यू आर गोइंग आउट, यू आर मीटिंग समवन, घर पे बैठे हो तो भी एक हद तक चल जाता है कि यार ठीक है ना, कौन आ रहा है घर पे दिखने। बट आईब्रोज वगैरह के केस में अगर आप बाहर जा रहे हो तो आप मेक श्योर तो करते ही हो कि यू लुक प्रेजेंटेबल, मेन चीज़ आ जाओ। तो आईब्रोज के बाद आते हैं आँखों पे। तो आँखों के लिए हमें एक चीज़ मेक श्योर करनी चाहिए कि यहाँ आप जो सो के उठते हो ये सबके उधर रहता है, मैं दिखा नहीं रही हूँ, मेरे इधर है नहीं अभी। आई मेक श्योर कि मैं उठते से ही फेस वॉश करूँ नॉर्मल पानी से, उससे जितना भी डर्ट होता है, जो भी रात में रेसिड्यू जमा हो जाता है यहाँ हट जाता है। और ये ज़रूरी है क्योंकि यार आप मान के चलो ऐसे उठ गए फिर चले गए कहीं और ये जमा हुआ है, लोग देख रहे हैं, बिल्कुल अच्छा नहीं दिखता। और इससे समझ में आता है कि आप कितना हाइजीन फॉलो करते हो। तो ये हो गई दूसरी तीसरी बात। चौथी बात, फिर हम आते हैं आँखों के बाद आते हैं ईयर्स। तो ईयर्स पे हम आके मैं जनरल बेसिक चीज़ यही बताना चाहूँगी कि यार ह्यूमंस हैं, ईयर वैक्स बहुत नॉर्मल है एंड सबके होते हैं। यू जस्ट नीड टू मेक श्योर कि आप जब भी नहा रहे हो तो सब कुछ अच्छे तरीके से धो धा के साफ करके, बिकॉज काफ़ी लोग होते हैं जिनके यहाँ रहता है, काफ़ी लोग होते हैं जो मेंस होते हैं जिनके यहाँ बाल रहते हैं, तो वो बिल्कुल भी हाइजीनिक नहीं लगता है, बहुत 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 गंदा लगता है। वो लड़कियों लड़कों जो भी देख रहे हो वीडियो, मेक श्योर कि आप सब कुछ क्लीन रख रहे हैं। नॉर्मली भी बात करें और आप कान के पीछे ऐसे कुछ कर रहे हो हाथ वार या वॉट एवर, तो यार सामने वाला देख के इट लुक्स वियर्ड, मतलब यहाँ कुछ ऐसे लगा हुआ मिलेगा तो डजंट लुक गुड, मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता है। तो मेक श्योर करो कि क्लीन रखो सब कुछ चीज़। हम कान के बाद आते हैं लिप्स। लिप्स का तो आज सच कुछ नहीं, बट मेक श्योर करो कि ऐसे चार्ड लिप्स ना दिखे, मतलब ये लड़कों के केस में भी होता है काफ़ी लोग के फटे फटे लिप्स होते हैं तो वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं दिखते हैं। तो मेक श्योर करना कि लिप्स पे आप वैसलीन लगा रहे हो या कुछ भी, मतलब बोरोलिन लगा रहे हो यार, बोरोलिन अगर रात में लगा के सो गए ना, मैं ये रोज़ फॉलो करती हूँ, मैं बोरोलिन रात में लगाती हूँ, अगर मुझे लग रहा है कि मेरे होंठ फटे हुए हैं या कुछ भी तो मैं रात में लगा के सोती हूँ, सुबह तक बहुत अच्छे लगते हैं लिप्स, ऐसा गंदे गंदे से नहीं लगते। एंड हाँ, हम आते हैं टीथ पे। वो ऐसा बोला जाता है, मतलब ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि यू टॉक अबाउट टीथ एंड येलो टीथ, तो ऐसा नहीं होता है कि एकदम आपको प्योर वाइट टीथ एक अच्छे हेल्दी टीथ की निशानी नहीं होती है, ऐसा बोला गया है, ऐसा पढ़ा है मैंने। एंड अगर आपको विश्वास नहीं होता तो यहाँ मैं कुछ ऐसे आर्टिकल छोड़ दूंगी जो मैंने पढ़ा था। सो ये जो आर्टिकल आप पढ़ रहे हो गए, जो यहाँ सब लिखा हुआ है, तो उसमें ये लिखा हुआ है कि थोड़े येलोइश टीथ चलते हैं, बट यार कुछ लोगों की देखते हो आप बहुत ही ज़्यादा येलो हो रहे हैं, वायरल हुई है वीडियोज़ की यार, एकदम लिपसिंग कर रही हैं लड़कियाँ लड़के और एकदम येलो येलो टीथ दिख रहे हैं, तो वो दैट डजंट लुक गुड। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, बेकिंग सोडा
बेकिंग सोडा होता है वो यूज़ कर सकते हो, लेमन उसमें डाल के, एंड देन यू कैन ब्रश योर टीथ, मतलब हफ्ते में एक या दो बार करोगे तो चलेगा। बाकी एक कोलगेट विजिबल वाइट और एक परफोरा का भी आया, मतलब ऐसा कोई प्रमोशन नहीं दे रही हूँ मैं किसी चीज़ का, बट मैं बता रही हूँ कि स्माइल की शोभा बढ़ाने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली व्हेन यू स्माइल आपकी पूरी बत्ती से दिखती है मोस्टली। हो गए लिप्स और टीथ की बात, देन कंडर्स ओल्डर्स पे तो ऐसा कुछ नहीं, बस अगर लड़की है तो मेक श्योर करो कि एकदम हेयरी बॉडी ना हो बहुत ज़्यादा, बिकॉज लड़कियों को बिल्कुल पसंद नहीं होती है, बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। कुछ जैसे बिग बॉस में वो आई थी, क्या नाम था यार उसका, अर्चना, तो अर्चना का था कि एकदम उसको हेयरी वॉइस पसंद है। तो जनरली लड़कियों के केस में ऐसा नहीं होता है, बहुत कम लड़कियाँ होती हैं जिनको हेयरी वॉइस पसंद होते हैं, तो लड़कों मेक श्योर करो कि यार मतलब यू जस्ट शेव इट ऑफ थिंग्स, मतलब जो भी आपके एक्स्ट्रा हेयर्स होते हैं ना, जस्ट मेक श्योर पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। देन हम आते हैं आर्मपिट्स पे, तो आर्मपिट्स के लिए भी यू मेक श्योर कि यू शेव इट ऑफ या फिर वैक्स कराओ, कि अच्छा नहीं लगता ना यार आप स्लीवलेस पहन रहे हो, हाथ वाथ ऐसे ऐसे कर रहे हो तो इट डजंट लुक गुड। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी लड़कियों के लिए, जब भी ये मैंने भी पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कि जब भी जैसे आप मान के वैक्स करा रहे हो अंडरआर्म्स, या इवन अगर आप बॉडी वैक्स करा रहे हो तो कभी कभी ऐसा होता है पैचेस हो जाते हैं या रेडनेस आ जाती है, तो उसके जस्ट वैक्स के बाद कुछ मत लगाओ, ना ऑयल लगाओ ना कुछ लगाओ, सबसे पहले वॉश दैट एरिया जो भी एरिया वो है, एंड उसके बाद जस्ट उसके बाद मेक श्योर कि आप आइसिंग कर रहे हो, तो जितनी भी रेडनेस है ना वो उससे ख़त्म हो। जैसे आप वैक्स करने वाले, जैसे यूसी से ही मैंने बुला लिया, तो अब यूसी वाली आई, उनने एकदम झट खींच के मेरे तो काफ़ी टाइम लेग्स पे भी हुए हैं कि यार एकदम रेड हो गया है वो पैचेस में, एंड देन वो बिकॉज वो वहाँ बर्न हो जाता है एंड देन पील हो जाती है स्किन, तो रेडनेस के बाद उसमें डार्क पैच सा छोटे छोटे, मतलब बहुत लाइट पैच होता है, वो डार्क पैच बहुत विजिबल होता है। एक और नुस्खा मैं बताती हूँ कि ऑयल होता है ना पैराशूट ऑयल और कैम्फर, जो क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, या जो भी बोलते हैं आप सर्च कर लेना ना गूगल, दोनों को मतलब कैम्फर को आप कूट लोगे और थोड़ा सा ऑयल उसमें, जितना कैम्फर लोगे उतना ही पैराशूट ऑयल मिक्स करके उस एरिया पे लगाओगे ना, तो बहुत जल्दी जो भी ये बर्न्स जाते हैं ना रैग्स बर्न्स वो चले जाते हैं। जो मेरी यूसी वाली जो आती है, उन्होंने मुझे ये बेसिकली नुस्खा बताते हैं, काफ़ी काफ़ी हेल्पफुल रहा है मेरे लिए। नाउ कम नेल्स पे फोकस करूँगी, तो नेल्स के लिए मेरे लिए एक सुझाव है, ना ही आपको ज़रूरी है कि आप नेल पेंट हर समय लगा के रखो, ना ही आपके लिए ज़रूरी है कि आप एक्रेलिक नेल्स कराओ या स्टिक ऑन नेल्स कराओ, बहुत हार्मफुल होता है, मैंने आज तक एक भी बार नहीं करा। तो जैसे मैंने जब से मैंने ये देखनी चालू करी है ना कि यार लोग एक्रेलिक कराते हैं कितने सुंदर लगते हैं, पूरा ऐसा उभरे उभरे से दिखते हैं वो बहुत अच्छे, बट मैंने कभी नहीं ट्राई किया क्योंकि उसमें यूवी रेज यूज़ होती है पहली चीज़, जो कि बहुत बहुत डेंजरस है आपके हाथों के लिए, मतलब आपको उस समय तो बहुत अच्छा लगेगा और क्वालिटी भी बहुत डिक्रीज हो जाती है, बहुत ख़राब हो जाती है अगर आप कंटिन्यूसली आप नेल एक्सटेंशन करा रहे हो तो। तो ये बहुत वैसी चीज़ है जो मैंने ट्राई नहीं करनी है, इससे बेटर है कि जैसे मैंने अपने नेल्स रखे हैं, तो मेक श्योर करो पहली बात तो नेल्स में गंदगी कुछ ना भरी रहे, है ना। और जैसे क्या करती हूँ कि मैंने काट लिए, एंड आई मेक श्योर कि नेल्स ऐसे अलाइंड हो, टेढ़े मेढ़े कट नहीं करना नेल्स को, जो आपके टिप्स हैं वो वाइट रहे, गंदगी ना भरी रहे उसमें। तो ये दो चीज़ अगर आप फॉलो कर लोगे ना बहुत है, आपको फालतू पैसे बिगाड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है एक्रेलिक पे, कोई ज़रूरत नहीं है नेल एक्सटेंशंस पर। एंड देन लेट्स कम ऑन टू योर लेग्स, लेग्स में जो मैंने चीज़ें महसूस करी है एंड फेस करी है व्हेन इट कम्स टू वैक्सिंग, व्हेन इट कम्स टू एपिलिएटिंग, तो ऐसा होता है इवन अगर मैं ये दिखाऊँ ना तो आप देख पा रहे हो छोटे बम्स दिखते हैं, पिक्स पे भी दिखते हैं, अब मैं यार मैं से एकदम पैर ऊंचा करके नहीं दिखा पाऊंगी आपको, दैट विल लुक वियर्ड। क्या होता है कि स्ट्रॉबेरी लेग्स हो जाते हैं, वो स्ट्रॉबेरी लेग्स दो तरीके से होते हैं कि यार आप शेव कर रहे हो एंड क्योंकि शेव करते हो ना तो ये स्किन से जो बाल अंदर का बाल होता है ना वो निकलता नहीं, सिर्फ ऊपर का जो बाल होता है ना वो शेव ऑफ हो जाता है, तो उससे क्या बम्स दिखते हैं, ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स दिखते हैं, तो वो स्पॉट हेयर ही होते हैं। एंड दूसरी अलग चीज़ मैंने जो नोटिस करी है, बारिश में भी होता है वो, ठंडियों में भी होता है, जैसे आप वैक्स करा रहे हो ना, इवन आप चॉकलेटरी का या हनी वैक्स करा रहे हो, तो क्या होता है कि छोटे छोटे बाल इनग्रोन्स रह जाते हैं, वो इनग्रोन्स की वजह से भी आपको ऐसा होता है कि यार वैक्स के बाद भी एकदम स्मूथ स्किन नहीं मिल रही है। तो मैं क्या करती हूँ उस केस में,
पहले तो मैं हॉट वाटर शावर लेती हूँ, मेरी बॉडी एकदम पोर्स होते हैं सारे बॉडी के वो खुल जाए, एंड देन उसके बाद जेंटली 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 मैं स्क्रब करती हूँ अपनी बॉडी को वैक्स के पहले। मुझे ऐसा लगता है फिर भी कि देन टू इतने सब के बाद भी काफ़ी इंग्रोन्स दिख, स्क्रब करने के बाद भी आप एक और चीज़ मेक श्योर कर सकते हैं कि ब्लैक हेड्स रिमूवर आता है, एक ऐसी स्टिक टाइप की आती है, वो मुझे मिल नहीं रही है अभी, जब मिलेगी तो मैं बिल्कुल दिखाऊंगा। इस वीडियो में मिल जाती है तो उसमें क्या होता है कि एक टिप रहता है जिससे आप ना अपने ब्लैक हेड्स रिमूव करते हो, तो वो टिप को मैं यूज़ करती हूँ अपने इंग्रोन्स निकालने के, क्योंकि यार आप सेफ टिप ये वगैरह लोगे दैट इज़ नॉट गुड, मतलब उससे फालतू इन्फेक्शन या कुछ हो सकता है, ये ना पॉइंटेड रहता ना कुछ, लेकिन इससे ईजीली इंग्रोन्स निकल जाता है। तो ये एक तरह का मैंने सुझाव और हैक दे दिया आपको जो कि आपके काम आ पाएगा। एंड उसके बाद बारी आती है टोज की, तो यार मैंने पता है बहुत सारी मतलब एज्ड वुमेन्स जाती हैं 35, 40, 50, तो उनके तो मैंने ये देखी है प्रॉब्लम्स, लेकिन आजकल मैं इवन जो 20s में लोग या 30s में लोग हैं ना उनके भी देख रही हूँ कि यार पैरों की ना एडिया एकदम फट जाती है, एकदम क्रैक्स, बहुत गहरे गहरे क्रैक्स आ जाते हैं, बिल्कुल अच्छे नहीं दिखते हैं। आप सैंडल पहन रहे हो, आप कुछ भी पहन रहे हो, आप हील्स पहन रहे हो, बिल्कुल अच्छे नहीं दिखते हैं। तो मेक श्योर करो कि चलो यार हफ्ते में नहीं कर पाते हो, हर दो हफ्ते में या एटलीस्ट महीने में एक बार पैसे भी मत लगाओ, बाहर मत दो पैसे पेडिक्योर के, जस्ट मेक श्योर कि गुनगुना सा पानी लो। ये मेरी मम्मी के मैं मतलब आई मेक श्योर कि यार मैं कुछ कुछ टाइम में कर दूँ, क्योंकि मेरी मम्मी भी ऑफिस जाती है तो रोज़ एक्सपोज रहता है। अब देखो यार गर्मियों में आप सॉक्स नहीं पहन सकते, नहाए आप निकले आपने क्रीम लगाई आप बाहर चले गए तो धूल मिट्टी और चिपकती है आपके बैग पर, क्यों झिल्लाते रहते हैं लोग क्या? तो हाँ तो क्या होता है कि धूल मिट्टी से चिपकती रहती है तो उससे ना और पैर फट जाते हैं, खुरदरे खुरदरे से पैर हो जाते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, घर का नुस्खा बता रही हूँ, बहुत इजी है गुनगुना पानी लिए। उसमें मैं थोड़ा सा अपना बॉडी वॉश डाल दिया या शैम्पू डाल दिया, दोनों मिक्स कर देती हूँ है ना, और उसको अच्छे से ऐसे झाग बना देती हूँ हाथ से, ऐसे घिस घिस घिस, मतलब ऐसे ऐसे हाथ उसमें ऐसे समझ गए ना यार ऐसे ऐसे करके है ना, तो उसमें झाग बना देती हूँ एंड उसमें मेक श्योर करती हूँ मैं 15 मिनट्स रखूँ, 15-20 मिनट्स में आराम से उसमें पैर रखती हूँ। और पता है इतना 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 सुकून मिलता है, जब आपका पैर में दर्द हो रहा होगा ना, जब आप चले हो बहुत देर आज या कहीं बहुत आउटिंग करिए, ट्रैकिंग करिए, आप ये कर लोगे ना, इतना सुकून मिलेगा, जितना आपको मसाज करने मिलता है ना पैरों पर उतना ही सुकून मिलेगा। तो वो कर लिया और उसके बाद उसी गर्म पानी में क्या करो, जो स्क्रबर होता है ना, मतलब ये कहीं भी डीमार्ट वगैरह में मिल जाएगा, स्टोन और उसके पीछे स्क्रबर और ब्रश आती है, एक मिनट ला के दिखाती हूँ। मैं ना इस बारे में बात करी थी, अब ये टूट गया है यार, अब मतलब इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकती, बट मैं मेन चीज़ जो दो चीज़ यूज़ करती हूँ वो ये करती हूँ, ये स्क्रबर है और ये ब्रश है। तो एकदम ऐसे अगर आपने करा तो इसको स्क्रब ऑफ कर लो एंड देन इसको ब्रश से वॉश कर लो। तो ये यार 20-25-30 रुपये का 50 रुपये का मिल जाता है, बहुत ईजिली आपकी पूरी डेथ के निकाल देगा, सॉफ्ट बहुत ऐसे मुलायम मुलायम से पैर। तो यार गाइस दैट इज इट फॉर द वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। इसमें मैंने बेसिक चीज़ें जितनी भी पर्सनल हाइजीन की होती है मैंने सारी स्क्रब करने के लिए ट्राई किया है, एकदम प्रेजेंटेबल दिखूँ, ग्रूम दिखूँ। हाँ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आई लव यू गाइज, सी यू सून।